अरे किसी ने कॉल मार दिया होगा, उसमें तो रिकॉर्डिंग नहीं है।
ओल्डर दी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक क्वेश्चन हर साल आया, तीन नंबर, दो एंट्री के तीन नंबर है, दिमाग में बैठा के चलो, तीन क्वेश्चन यहाँ है, दो क्वेश्चन एग्जांपल है, इन पांच में से कोई कोई क्वेश्चन फंसता है, ठीक है, एक है और फीचर ऑफ शेयर, एक है अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन, बात करें हो गया, आगे बढ़े, नोट बाद में करना, फोटो किसी ग्रुप में आ जाएगा, ध्यान दो। अभी यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर, पहले फोटो किसी ग्रुप में डालो, मैं मिटाऊंगा, अरे यहाँ के सब्सक्रिप्शन दो क्वेश्चन है, दो बता दो वर्ड हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन, ध्यान से समझना, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो फिर वैसे समझ में आ जाएगा। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि तुम्हारे पास सीट है 100 लेकिन फॉर्म बिके 80, तुम्हारे पास सीट है 100 यानी 100 बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं, पर फॉर्म लेने 80 लोग आए तो आपकी मजबूरी क्या होगी, पूरे के पूरे 80 लोग का एडमिशन दे दो, 20 लोग की सीट कैंसिल, क्योंकि 20 सीटों में कोई एडमिशन ही नहीं हुआ, वो खाली चली जाएंगे, वो जो 20 बच्चे हैं नहीं उनका काली काम होगा, 80 का होगा, होगा अंडर सब्सक्रिप्शन, जैसे अंडर सब्सक्रिप्शन में 100 पीस तुम कोई सामान लाए, 80 पीस बिका तो पैसा कितने का मिलेगा, 80 का ना, ये होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या है, ध्यान से समझो, आप ने सीट रखी है 100, फॉर्म आ गए 120 या 200, जो एक्स्ट्रा फॉर्म आएगा, एक्स्ट्रा पैसा आया, उस पैसे के दो यूज हो सकते हैं, पहला यूज होगा आप उस पैसे को रिटर्न कर, दूसरा यूज हो सकता है कि उन पैसों में से जो एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा पैसे 100 सीट की जगह 200 एप्लीकेशन फॉर्म आ गए थे, तो जो 100 सीट का एक्स्ट्रा पैसा है उस पैसे को आगे अलॉटमेंट में या कॉल में एडजस्ट कर, भाई आपने अगर एक्स्ट्रा फीस जमा कर दी तो क्या होता है, नेक्स्ट मंथ की फीस में एडजस्ट हो, तो अगला स्टेप क्या है एप्लीकेशन के बाद, अलॉटमेंट, वहां एडजस्ट हो जाएगा, अभी और पैसा बच गया तो वो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ स्कूल वाले एग्जांपल से ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है, जब मान लो मैंने 1,00,000 शेयर कंपनी के मांगे, अब कंपनी ने मुझे शेयर दिए 50,000, मेरे 50,000 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास पड़ा है ना, वो पैसा कहाँ एडजस्ट कर लेगी कंपनी, अलॉटमेंट, क्योंकि मैं बंदा सेम अप्लाई मैंने ज्यादा क्लिक किया था, मुझे मेरी सीट कम, इस तरह से एग्जांपल है सबको, तो दो भाइयों ने अप्लाई किया, एक का एडमिशन होगा दूसरे को नहीं हुआ, जिसका नहीं हुआ उसकी फीस कहाँ हो जाएगी, जिसका एडमिशन हुआ उसके साथ एडजस्ट, अब दोनों अलग अलग हुए तब पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, प्रोसेस दो ही है, या तो एडजस्ट होगा या तो रिटर्न होगा, बट अभी हम बात कर रहे हैं अंडर सब्सक्रिप्शन की, तो अंडर सब्सक्रिप्शन में ध्यान दो तो समझ आएगा, फिर ओवर अंडर में क्या होगा, अगर कम एडमिशन हो रहे हैं तो अप्लाइड से लेना देना नहीं है, तुम मुझे चिल्लाते हो मेरे पास 100 सीट है, एडमिशन 80 हो रहे हैं, देखो कैसे, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ मोहन लिमिटेड वॉज 2,00,000 डिवाइडेड इंटू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, शेयर क्वेश्चन नंबर, अभी समझ में आएगा ध्यान दो, हमारी शेयर की वैल्यू कितनी है, नहीं शेयर की वैल्यू तो ध्यान देंगे ना, देखिए 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10, अगली लाइन पढ़ो क्या लिखा है, आउट ऑफ 10,000 शेयर है इशू टू पब्लिक, इशू कितने किया, इशू से कितने 10,000, डन, अब अगली लाइन ध्यान दो, एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 8,000, एप्लीकेशन कितनी आई,
एप्लीकेशन आई 8,000, हमको शेयर कितने इशू करने हैं 10,000, एप्लीकेशन आई 8,000। अगली लाइन पढ़ो, एप्लीकेशन टेबल 2 रुपीज ऑन, एप्लीकेशन में 2 रुपए अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल 2, 3, सेकंड कॉल 3। अगली लाइन, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहन लिमिटेड। अब देखो यहाँ पे क्या चेंज होगा, अभी तक तुमको जितने क्वेश्चन मिले एक ही वैल्यू मिलती थी, इसलिए तो 10,000 से सब में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते। अब यहाँ पे क्या हुआ, एप्लीकेशन कितनी आई 8,000, जो कम होगा इन दोनों में वही चलेगा, यानी ये कट के क्या हो जाएगा, जो कम होगा वो, ठीक है, ज्यादा लॉजिक एक फिट बैठेगा, जो कम होगा वही घूमेगा, 8,000 है। अब 8,000 मल्टीप्लाई कर तू, हम लोग पूरा लिखूं क्या, समझ में आ गया ना कैसे मल्टीप्लाई होता है, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3, यही यहाँ पे आ जाएगा 16, 24, 16, 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
फोर फाइव सिक्स सेवन एट, कोई चेंज नहीं है, जैसे एंट्री कर रहे थे वैसे ही करना है। क्या लिखते थे आप? बैंक अकाउंट। कौन सा शेयर है चेक करो, इक्विटी दिया है, क्या दिया जाएगा, इक्विटी धन, मुझे एंट्री अभी कर दीजिए, काम चल रहा है ना, जान चल रहा है ना, यही करो जल्दी, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम। सर एंट्री कैसे करते थे? पता नहीं, बोलिए आप, मेरी यादाश्त से किसी फंक्शन में कभी आप वो ब्लैकबोर्ड में क्या लिखते हैं, व्हाइटबोर्ड में Thank you.
हम बड़े खुशी हैं, बहुत खुशी होने जा रहा है।
आगे क्या लिखा है? ऑफ 10 ईच 10 रुपए का एक 3000 एप्लीकेशन देयर रिसीव्ड। एप्लीकेशन कितनी आई? क्या सिखाया था? जो छोटा होगा वो चलेगा, ठीक है? कट कितना हो गया? 3000। अभी नहीं, एप्लीकेशन में कितना पैसा है? एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 2, सेकंड कॉल, टोटल 10 हो गया। मल्टीप्लाई करो 3000 सर। हो गया,
वापस
चलो इधर ध्यान दो सर, मेरे को हाथ हो रहा है क्या ये नजर नहीं क्लास बंद 15 मिनट मेरे को क्वेश्चन समझाना है। क्वेश्चन कहाँ गया मेरा? देखो मोहित ग्लास हाउस इशूड 20,000 शेयर ऑफ 100 ईच। कितने शेयर है ध्यान देना, इशूड कर रहे हैं 20,000। कितनी वैल्यू है? 100। ध्यान देना, एट 110 पर शेयर। 100 रुपए का शेयर कितने में दिया? 110। ध्यान से सुन लो, अटकोगे। 100 का शेयर 110 में बेचा, यानी 10 रुपए आपने एक्स्ट्रा लिया। जब आप एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। आप क्या ले रहे हैं? एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, दैट इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम। अगली लाइन 30 ऑन एप्लीकेशन। ध्यान दो इधर, एप्लीकेशन में कितने रुपए है, अलॉटमेंट में कितना है? देखो 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 40 रुपए है प्रीमियम इंक्लूड करके। इंक्लूडिंग यानी ऑलरेडी उसमें जुड़ा हुआ है। अलॉटमेंट है 40 रुपए है, लेकिन वो कैसे है? 10 रुपए का प्रीमियम होगा, वो बचा हुआ 20 रुपए अलॉटमेंट का होगा। क्या बोल रहा है? 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 40 रुपए अलॉटमेंट में मांगा लेकिन प्रीमियम इंक्लूड करके। प्रीमियम की वैल्यू कितनी? 10 रुपए। अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 30। 30 + 10 इज इक्वल टू 40। अगली लाइन फर्स्ट कॉल में कितना है? 20। सेकंड कॉल टोटल कितना हुआ? टोटल कितना हुआ चेक करो। 30 को प्लस कर लेंगे 40 को, जा तो देखो 30 + 30 = 60 हुआ। 60 + 40 ₹100 और 10 रुपए का प्रीमियम, टोटल 110 हो गया। या पूरा जोड़ लो 30 + 40 + 20 + 20 110 हो गया। जो यहाँ लिखा है वो यहाँ आना चाहिए। क्वेश्चन था कि कंपनी ने इशू किए इक्विटी शेयर 20,000 100 रुपए वाले 110 रुपए। अगली लाइन पढ़ो, एप्लीकेशन पे रिसीव फॉर 24,000। एप्लीकेशन कितनी आई? 20,000 शेयर हमने इशू करने हैं, एप्लीकेशन आ गई 24,000। अगली लाइन पढ़ो, शेयर वेयर अलॉटेड, आपने शेयर दे दिया, एप्लीकेशन फॉर 4,000 शेयर वेयर रिजेक्टेड, 4,000 क्या कर दिया? रिजेक्ट। एंड अमाउंट रिटर्न देयर ऑन, और उनका पैसा क्या कर दिया? वापस। साफ साफ लिखा है Thank you.
देना एंड
पहली एंट्री का पहली एंट्री क्या करते थे? थर्ड एंट्री हो जाएगी रिवर्स, बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर एप्लीकेशन, पहली कर रहे थे उल्टा को, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डी आर टू बैंक, फर्स्ट एंट्री का रिवर्स, डी आर में नाम है सी आर में, तो सी आर में नाम है वो डी आर। कितना पैसा वापस कर रहे हैं? कितना पैसा वापस कर रहे हैं? ध्यान देना, थर्ड एंट्री क्या एंट्री बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डी आर टू बैंक। ठीक है, अब आपको थर्ड बन गई, फोर्थ वाली देखो ध्यान, उसके बाद बाकी तो बन जाएगी। फोर्थ एंट्री पहले नॉर्मल एंट्री करो, कैसे कर रहे ध्यान से बेटा, अच्छा हाँ बैंक क्या लिखा है? टू शेयर क्या बेटा लिखा है हमने, क्या लिखा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दिया उसके ऊपर, जा ये था फोर्थ वाली कर रहे हैं ना, फोर्थ एंट्री कर रहे हैं, तो अपन ऊपर जाके क्या देखें? इक्विटी शेयर कैपिटल अपने लिख दिया, अब कौन सा एरिया खाली है? डी आर वाला, अब इधर आएंगे ऊपर इक्विटी महाभारत लिखिए, लिख देंगे इक्विटी शेयर अलॉट, इक्विटी शेयर अलॉट लिख दिया। अब ध्यान देना नया इसमें क्या ऐड हुआ है, वह क्या हो रहा है? प्लस, प्लस वाला नाम कहाँ लिखना है? सीआर टू सिक्योरिटी, बात समझ में आई? याद याद कैसे रहेगा? क्या हो रहा है? प्लस ना, क्या हो रहा है? प्लस, तो प्लस वाला नाम कहाँ लिखना है? सीआर में माइनस होता तो दिया, तो प्लस में है, प्लस में सीआर में लिखना है। क्या नाम है इसका? सिक्योरिटी प्रीमियम, तो मैंने लिख दिया सिक्योरिटी। हाँ सुपरिटेंडेंट अब बोले डन, बन जाएगा। प्रीमियम की कितनी वैल्यू है? 2 लाख। अलॉटमेंट की क्या वैल्यू है? जलेबी की तरह बोल। 6 लाख। टोटल वैल्यू कितनी है? 8 लाख। डन, इसके बाद बाकी 5, 6, 7, 8, 9 बन जाएंगी। सारी एंट्री में कहाँ? कहाँ लिखा? कहाँ प्रीमियम? तो बचा है।